बच्चों, आपको पिछली रिकॉर्ड वीडियो में मैंने आपको हेडर एंड फुटर के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब आज इस बार मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि हेडर एंड फुटर कहाँ से यूज़ होगा और उसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, इन सब में से आपको ये पता होना चाहिए कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन जब भी कंप्यूटर में ऐड करना चाहते हैं या डालना चाहते हैं तो वो हमेशा आपको इंसर्ट टैब में मिलेगी। तो इंसर्ट टैब पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ देख सकते हैं आप, हेडर ऑप्शन है, फुटर ऑप्शन है, पेज नंबर है। तो हमने यहाँ हेडर पे क्लिक किया। हेडर पे क्लिक करने के बाद इसमें कुछ ये ऑप्शंस हैं जो इनबिल्ट हैं। अगर आपको अपनी मर्ज़ी का हेडर देना है तो आप ब्लैंक पे क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए, आप यहाँ हेडर आप जो भी देंगे वो आपका सिर्फ एक पेज पे नहीं बल्कि जितने भी आपके पेज बनेंगे सभी के ऊपर ऑटोमेटिकली रिपीट होगा। आप इसको साइज़ बड़ा कर सकते हैं, जो भी साइज़ आपको चाहिए उसके लिए आपको होम टैब में जाके यहाँ से साइज़ चेंज करना है। तो ये था आपका हेडर। इसी तरीके से अगर आपको फुटर में कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है, फुटर हमेशा नीचे होता है लास्ट में, तो आप यहाँ जो इन्फॉर्मेशन देना चाहें दे सकते हैं। मान लीजिए आप अपना बुक का नाम देना चाह रहे हैं, या आप नॉर्मली आप देखते हैं कि जब आप एग्ज़ाम या पेपर लेते हैं तो उस पे एक शब्द लिखा होता है, तो वो फुल फॉर्म है, आपको शायद पहले पता भी है कि नहीं, तो प्लीज़ टर्न ओवर, ताकि आप गलती से उस चीज़ को छोड़ ना दें ये सोच के कि पीछे तो कुछ है ही नहीं। तो इसको हम शॉर्ट में PTO भी लिख सकते हैं। ऐसा अक्सर आपको, खासकर क्वेश्चन पेपर जब आपका दोनों साइड प्रिंटेड होता है तो उसके नीचे ये वर्ड आपको दिखाई देगा, PTO, इसका फुल फॉर्म होता है प्लीज़ टर्न ओवर। अब आप देखिए कि इसका यूज़ क्या है हमारे लिए। तो सबसे पहले ये हेडर आपका यहाँ रहेगा, आप होम टैब में ही चले जाएं, और अगर आपको लगता है कि अब हमारा हेडर का काम यहाँ और कुछ नहीं है, मुझे यूज़ नहीं करना, तो आप यहाँ से देख लिए। अगर मान लीजिए हेडर में भी आपको कोई चीज़ बाद में चेंज करनी है तो आप एडिट में जा सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ ये हेडिंग चेंज करनी है, बदल के कुछ और लिखनी है, आप लिख सकते हैं। आपको यहाँ से देखिए साइड में ये कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप उसको कम कर सकते हैं, यहाँ से आप उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप उसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो ऑटोमेटिकली जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ आपको मिलती हैं। अब आप यहाँ से देखिए कि आप इसको बाहर आने के लिए आपको यहाँ पे फाइल में आना है, हेडर आपका एज इट इज़ पड़ा रहेगा। हेडर आपको यहाँ कोई रोल नहीं है हेडर का, ये आपको हर पेज पे तब दिखाई देगा जब आप अलग अलग पेज में एंटर करते चले जाएंगे। तब आप यहाँ से हम इसमें कुछ टेक्स्ट लिख कर देखते हैं। कमेंट भी दे सकते हैं और ये आपका यहाँ ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब आपका हेडिंग का काम ख़त्म हुआ और यहाँ आप फिर से होम में आए और यहाँ आपने लिखना शुरू किया। जैसे आपने लिखा, पहले साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए। अब मान लीजिए मुझे ये वेरीफाई करना है कि ये वाला जो हेडर एंड फुटर है ये कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो मैं पूरा पेज टाइप ना करके
इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट कर लिया ताकि पूरा पेज फिलअप हो जाए। अब आप देखिए हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, तो यहाँ मुझे हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं इसे पेस्ट करती चली जा रही हूँ। और जितने भी पेज मेरे आप इस डॉक्यूमेंट में बनेंगे, ये देखिए हम धीरे धीरे यहाँ से आप चेक कीजिए, हमारे पास 5 पेज बन गए हैं और हम हर एक पेज पर हमें वही सेम हेडिंग, हेडर एंड फुटर आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो ये आपने देखा कि हेडर एंड फुटर में आप हेडिंग किस तरीके से देते हैं, कैसे आप उसमें, आप देखिए पेज नंबर, मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं मुझे तो पेज नंबर भी देना है, तो पेज नंबर पे जाइए। अब पेज नंबर देते समय भी आपकी देखना है आपने कि अगर आप टॉप में देना चाहते हैं बिल्कुल ऊपर आए, तो यहाँ साथ साथ आपको प्रीव्यू में भी दिखाई दे रहा है, टॉप में आ जाएगा। अगर आप बॉटम पे क्लिक करेंगे बॉटम में आएगा, करंट पोजीशन यानी जहाँ आपका कर्सर है वहाँ आ जाएगा, जहाँ पेज का मार्जिन है, मार्जिन यानी लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन जहाँ आप चाहें वहाँ ले सकते हैं। फॉर्मेट का अर्थ होता है कि पेज नंबर आप किस स्टाइल से देना चाहते हैं। देखिए 1 2 3 देना चाह रहे हैं, ABC लिखना चाहते हैं आप, कैपिटल में चाहते हैं या रोमन के अंदर चाहते हैं, आप जैसा चाहें इनमें से आप फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि अगर हम यहाँ से इंसर्ट में पेज नंबर पे टॉप ऑफ द पेज पे क्लिक करके यहाँ से हमने ऑप्शन ले लिया, तब हमारी जो वो हेडिंग थी वो चेंज हो गई, क्योंकि मैंने उसको बिना हटाए यानी बिना उसमें मॉडिफिकेशन किए मैंने सीधा क्या कर दिया था कि करंट सिचुएशन पे पेज नंबर ऐड हो जाए। तो इस तरीके से आप हेडर एंड फुटर को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट में सेट कर सकते हैं। तो देखिए जहां हमारा शिक्षा भारती बार बार लिखा हुआ आ रहा था, वहां उसकी जगह अब हमें हर पेज के हेडिंग में क्या दिखाई दे रहे हैं, पेज नंबर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप हर पेज पे, अब आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितने पेज आप डॉक्यूमेंट में बनाते चले जाएंगे, अभी तक देखिए हमारे पास 5 पेजेस हैं, अगर हम इसमें और आगे बढ़ते हैं तो अगले पेज पे अपने आप ही 6 आ गया, फिर हमने एंटर किया तो 7 आ गया। यानी एक बार आपको सिर्फ सेटिंग करनी है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो काम आपका चलता रहेगा। तो आप पहले इस हिस्से की प्रैक्टिस करके देखेंगे, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब आपके PT भी आने वाले हैं तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे अपने रिवीजन सेशन पर।